हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में स्थित है। ये भगवान का सातवां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक इस प्रकार से है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गमन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता पार्वती ने शिवजी से आग्रह किया कि हे स्वामी, एक ऐसा आनंद वन हो जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो, तथा जहां वो कुछ समय महादेव के साथ, मतलब आपके साथ में एकांतवास कर सकूं। महादेव जी ने तब देवी से कहा कि ठीक है देवी, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। महादेव जी ने तब आसमान पर 5 कोश बड़े आनंद वन का निर्माण कर दिया। वह वन अत्यंत सुंदर और अलौकिक था दोस्तों। महादेव उस वन में माता सती के साथ उस वन में आनंद कानन वन में घूमने लगे। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता सती ने महादेव जी से कहा कि वे चाहती हैं कि ये परमानंद दुखों से मुक्त करने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना होना स्वाभाविक है। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। भगवान विष्णु को उस आनंद वन में तपस्या करने को कहते हैं ताकि उनकी तपस्या से, भगवान विष्णु की तपस्या से इस क्षेत्र में दुखों का अंत हो। उस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और वहां कई हजार वर्षों तक तपस्या की ताकि वहां पर पवित्रता बने। तपस्या करते करते भगवान विष्णु का पसीना वहां पर बहने लगा और वो कुंड भर गया पसीने से। भगवान विष्णु की तपस्या से उस आनंद कानन वन में तप, भक्ति और प्रेम ज्ञान की स्थापना हो गई। भगवान शिव ने उस क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान विष्णु तपस्या के बाद जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान से एक कर्णफूल उस कुंड में जाकर गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है दोस्तों। उस कुंड का नाम आज भी मणिकर्णिका कुंड है। तब भगवान शिव ने माता सती की इच्छा से उस वन का पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। वही क्षेत्र आज दोस्तों काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब तक आप दोनों इस काशी नगरी में विराजमान नहीं होंगे तब तक ये काशी नगरी अधूरी है। तब भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उस ज्योतिर्लिंग का नाम दोस्तों विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उसका नाम पड़ा। महादेव तथा माता सती का ये ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। काशी भगवान शिव की तथा माता पार्वती की सबसे प्रिय नगरी है दोस्तों, क्योंकि वो उनके द्वारा बसाई गई है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी इस नगरी का नाश नहीं होता, भले दुनिया बचे या ना बचे, लेकिन ये जो काशी की नगरी है इसका कभी भी, वाराणसी की इस नगरी का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान शंकर उसको अपने त्रिशूल पे रखते हैं। प्राचीन काल से प्राणों से मुक्ति पाने के लिए सारे लोग जो जानते हैं वो काशी में ही अपने प्राण त्यागते हैं, क्योंकि इससे प्राणी को मोक्ष मिलता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ के जो भी लोग हैं आजकल भारत के जो जानते हैं, जो ऋषि धर्मात्मा ऋषि हैं, वे काशी में ही अंत में अपना अंतिम समय गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि काशी में मोक्ष मिलता है, तो वहाँ पे प्राण त्यागने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है।
जहाँ पर हर रोज, कहा जाता है दोस्तों कि काशी ही वो स्थान है जहाँ पर हर रोज शमशान घाट जलता ही रहता है। पूरे विश्व से लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। काशी की गंगा आरती पूरे विश्व में विख्यात है दोस्तों, पूरे विश्व भर में जाना जाता है कि काशी गंगा की आरती कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया होती है। तो ये था दोस्तों विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। हर हर महादेव।